उद्धार तो ये है कि पापों की क्षमा पाए और उससे प्रभु की आशीष के लिए योग्य बने। ये तो श्राप की दशा से निकलकर जीवन की आशीष की दशा में आना है, ये श्राप से आशीष में जाना है। Foolishness, I know. When the world asks you why, they won't dance with joy like we're dancing now. Amazing love, how can it be that you, my king, should die for? परमेश्वर चाहता है कि आप यहां उत्तम पाएं, वो चाहता है कि यहां उत्तम तरह से जिए, वो चाहता है कि आप सबसे उत्तम रहने की जगह पर रहे, वो चाहता है कि आप सबसे उत्तम घर में रहे, वो चाहता है कि आपके पास में चलाने के लिए सबसे अच्छी गाड़ी हो, वो चाहता है कि आपके पास सबसे अच्छी सुविधा हो। इस तरह से कहे तो लोगों को बड़ी परेशानी होती है, इसलिए मैंने जानबूझकर इसे कहा है, जानते हैं? यानी सिर घूमने दे, केवल तब वो सोचने लगते हैं। जब आप धीरे से बताते हैं तो नहीं समझते। प्रभु चाहता है कि आप सबसे उत्तम पाए, हर तरह से अच्छा है। आप विश्वास करने लगे, हेलो, इस पर विश्वास करने लगे। एक भाई ने कहा, पिछले 25 साल से मैं वही स्कूटर चला रहा हूं। प्रभु की स्तुति हो, पिछले 25 साल से वही स्कूटर चला रहा हूं। खैर, ये जरूरी नहीं था। आप अच्छी ले सकते थे और कार भी ले सकते थे। वो ये नहीं जानते थे। देखिए, उन्होंने सोचा कि उन लोगों को स्वर्ग में खास मेडल मिलेगा जो 25 साल तक एक ही स्कूटर चलाते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं है। आप अच्छी चीजों को ले सकते हैं यहां पर हर समय,
आपको बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर होते जाना है। और यही तो इसहाक और याकूब और यूसुफ इन लोगों के साथ हुआ। दिनों दिन वो बढ़ते गए और वो बहुत महान हो गए, बाइबल कहती है। वो बढ़ते गए, उनके जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होती रही, उन्होंने सबसे उत्तम का आनंद उठाया। आप अब्राहम की कहानी पढ़ी, हम अब्राहम की आशीष कह रहे हैं, उसने उत्तम का आनंद उठाया। ये प्रभु की आशीष, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। उसने उत्तम का आनंद उठाया, इसहाक ने उत्तम का आनंद उठाया, याकूब ने आनंद उठाया, यूसुफ ने आनंद उठाया, दाऊद ने उत्तम का आनंद उठाया। आप मुझे एक व्यक्ति बताइए जिसने प्रभु पर विश्वास किया और उत्तम का आनंद नहीं उठाया। पूरी बाइबल में उन्होंने सबसे उत्तम का आनंद उठाया। लेकिन विश्वासी लोगों को उत्तम का आनंद उठाने में यही समस्या है, वो ये विश्वास नहीं करते कि आशीष तो सुसमाचार में है। वो केवल अपनी आत्मा के उद्धार के लिए विश्वास करते हैं या पापों से उद्धार के सुसमाचार में, लेकिन आशीष में नहीं। उद्धार पूरा है, ये पैकेज है, इसमें बहुत कुछ आता है। आप केवल स्वर्ग में जाने का प्रचार करते हैं तो ये थोड़ा प्रचार करते हैं, और लोग इस थोड़े में विश्वास करने के लिए मूर्ख हैं। सारा जीवन भर वो आपको सुनते हैं, वो बहुत थोड़ा विश्वास करते हैं, थोड़ा ही पाते हैं। उद्धार तो पूरा पैकेज है। ये ग्रीक शब्द सोजो से है, ये सोसो नहीं। यदि किसी से पूछे कैसे, तो कहते सोसो, मतलब बहुत बुरा नहीं, बहुत अच्छा नहीं, कहीं बीच में लटका हूं, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, यही सोसो का अर्थ है। लेकिन ये सोसो नहीं, ये सोजो है, ये ग्रीक है, इंग्लिश नहीं। सोजो का ग्रीक में अर्थ होता है सब कुछ, आत्मा प्राण और शरीर में, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, जीवन के हर एक क्षेत्र में सबसे उत्तम। यही तो उद्धार का मतलब है। बहुत से लोग अटक जाते हैं क्योंकि उद्धार का संबंध केवल पापों की क्षमा से लगाते हैं, और वो स्वर्ग में जाएंगे और इसलिए वो उसका आनंद नहीं उठा पाते। आज मैं आपको बहुत से वचन से दिखाना चाहता हूं कि उद्धार में बहुत कुछ है, यानी सच में उद्धार तो ये है, केवल ये नहीं कि पापों की क्षमा पाए और स्वर्ग में जाने के योग्य हो, लेकिन उद्धार तो ये है कि पापों की क्षमा पाए और उससे प्रभु की आशीष के लिए योग्य बने। ये तो श्राप की दशा से निकलकर जीवन की आशीष की दशा में आना है, ये श्राप से आशीष में जाना है। गलातियों अध्याय 3:13 के अनुसार ये केवल पापों से पापों की क्षमा में जाना ही नहीं, ये तो श्राप से आशीष में जाना है। आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीष पाना है। अब हमें उस पर मन लगाना है। हमने उद्धार पाया, हमारा मन उसके साथ में मिले और इच्छा रखे। इसलिए मैं बताऊंगा कि अपने जीवन में इच्छा रखे कि इसे स्वीकार करे। जब तक ये विश्वास न करे कि उद्धार में आशीष है, आप कभी आशीष नहीं पाएंगे। बहुत से अच्छे विश्वासी लोग हैं, वो अच्छे हैं लेकिन पूरी तरह गलत हैं। वो स्वर्ग में जाएंगे, मुझे पता नहीं किस आकार में स्वर्ग में जाएंगे। यानी आपको मन सही करना है कि आशीष का आनंद उठा सके। मानना होगा कि आशीष ही सुसमाचार है, आशीष सुसमाचार में है। ये साइड मुद्दा नहीं है, ये मुख्य मुद्दा है। ये श्राप से सुसमाचार में जाना है, यही सुसमाचार है। बाइबल के अनुसार मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा परमेश्वर के वचन से। मेरे साथ निकले रोमियो अध्याय 1। चलिए मैं पढ़ता हूं रोमियो अध्याय 1:1। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया, वो कहता है मैं परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप देखिए कि ये कहां किस तरह बताया गया है। बाइबल में हर शब्द महत्वपूर्ण है। ये कहता है परमेश्वर का सुसमाचार, सुसमाचार नहीं कहता, परमेश्वर का सुसमाचार। सुसमाचार का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है शुभ संदेश, ठीक है, सब ये जानते हैं। इसका अर्थ है शुभ संदेश, यानी अभी सुसमाचार शुभ संदेश है। यदि ये परमेश्वर का सुसमाचार है तो मैं कहूंगा ये परमेश्वर का शुभ संदेश है। ये सुसमाचार परमेश्वर की ओर से शुभ संदेश है। परमेश्वर संसार से कुछ कहना चाहता है, ये सुसमाचार है। और इसलिए जब मुझे बुलाकर सुसमाचार के लिए अलग किया गया, मैं परमेश्वर के संदेश को लेकर जा रहा था। प्रभु कुछ कहना चाहता है, ये मेरे शब्द नहीं, मैं क्या कहना चाहता वो नहीं, मेरी डॉक्ट्रिन नहीं। परमेश्वर के पास संदेश है कि पूरे संसार तक भेजे, हर व्यक्ति के लिए उसके पास कुछ कहने के लिए है। ये गंभीर बात है। और मैं उस प्रचार के लिए बुलाया गया, पौलुस ने कहा मैं अलग किया गया परमेश्वर के सुसमाचार के लिए। परमेश्वर को कुछ कहना है, मैं तो बस दूत हूं, मैं मार्ग बनूंगा जिससे वो संदेश भेजेगा। परमेश्वर का संदेश ले ले। और परमेश्वर का संदेश क्या है? हम क्या प्रचार करते हैं, क्या विश्वास करते हैं? देखिए वचन 15। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरकस तैयार हूं। वो समुन्द्र पार करना चाहता था और वह रोम में जाकर सुसमाचार प्रचार करना चाहता था।
मतलब उन दिनों में रोम में जाकर सुसमाचार प्रचार करना इतनी आसान बात नहीं थी। अब हम फ्लाइट लेकर कुछ घंटों में वहां पर जा सकते हैं, लेकिन उन दिनों में समुद्र यात्रा करना पड़ता था, जाना पड़ता था, शायद आधे समय समुद्र में डूब जाते, लुटेरे थे, चोर थे, खतरा था, प्राकृतिक खतरा भी था, और यात्रा इतनी आसान नहीं थी। लेकिन उसने जोखिम उठाई, अपने जीवन की जोखिम उठाई और बड़ी परेशानी से यात्रा करता है। वो कहता है मैं रोम में जाकर सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ, वहां पर भी मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। वो कहता है महत्वपूर्ण संदेश है, मुझे इसे समुद्र पार ले जाना है, परेशानी की कोई बात नहीं, मुझे वहां जाना चाहिए, समुद्र पार जाना है कि सुसमाचार दे सकूं। आज हम आशीषित हैं, प्लेन में बैठकर वहां जाते हैं, हम हर चीज को गंभीरता से नहीं जानते। वो कहता है मुझे वहां जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। फिर कहता है वचन 16, मैं मसीह के सुसमाचार से नहीं लजाता। अब वो इस मसीह का सुसमाचार कहता है, ये परमेश्वर की ओर से है, सुसमाचार है परमेश्वर से लोगों के लिए। फिर कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता क्योंकि ये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए। वो कहता है मैं नहीं डरता क्योंकि ये बहुत ही सामर्थी है, हर एक के लिए जो विश्वास करता है वो उसे सुनकर विश्वास करेंगे, ये बहुत ही सामर्थी बात है। सुसमाचार कुछ अलग है। चलिए दूसरा कुरंथियों से देखें, पौलुस सुसमाचार के बारे में क्या कहता है, वो इसके बारे में बताता है, अध्याय 5 और वचन 17 से आगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, सुसमाचार परमेश्वर से। वो कहता है सब कुछ परमेश्वर से है जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है, उसने हमें ये दिया है। वो कहता है परमेश्वर ने हमसे मेल मिलाप किया है यीशु मसीह के द्वारा खुद के लिए, और अब उसने हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी है। अब ये क्या है, मेल मिलाप का अर्थ है एक साथ लाना, फिर एक बनाना। यानी देखिए वो अलग वचन में इसे बताता है, वचन 19 में, परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। मसीह क्या कर रहा था, वो कहता है कि परमेश्वर मसीह में था। जब मसीह संसार में आया, परमेश्वर मसीह में कुछ कर रहा था, संसार का खुद से मेल मिलाप कर रहा था। मसीह संसार में आया, क्रूस पर मरा और ये सब कुछ हुआ, इसका संबंध इससे था कि परमेश्वर उसमें उसके द्वारा क्या कर रहा था, वो मेल मिलाप कर रहा था। यानी मनुष्य जो परमेश्वर से दूर गया उसे ला रहा था, खुद की ओर ला रहा था। ये सब कुछ क्रूस पर यीशु मसीह के द्वारा हुआ, ये मेल मिलाप की सेवकाई थी, और यहां पर मेल मिलाप हो रहा था, परमेश्वर मनुष्य को खुद की ओर ला रहा था। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। परमेश्वर संसार में घूमते हुए संसार पर दोष नहीं लगा रहा था, दूसरे शब्दों में जब ये कहता है उनके अपराध का दोष उन पर नहीं लगाया, मतलब उनके पाप उन पर नहीं डाल रहा था, ये नहीं कह रहा है कि तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम पापी हो, तुम नरक में जाओगे, नहीं, परमेश्वर ये नहीं कह रहा था। आप यूहन्ना अध्याय 3:16 को पढ़िए, आप इसे जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। अगला वचन, वचन 17 महत्वपूर्ण, ये कहता है परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। यानी यीशु जो कर रहा था वो पापियों पर दोष नहीं लगा रहा था, उनके पापों के लिए, उनके अपराध उन पर नहीं रख रहा था, उनकी गलतियां और पापों को नहीं गिन रहा था, उन पर वो जा रहा था, और वो क्या कर रहा था, वो उनके अपराध उन पर नहीं रख रहा था, लेकिन उसने मेल मिलाप का वचन या मेल मिलाप की सेवकाई हमें सौंप दी है। वचन कहता है अब हम क्या कर रहे हैं, हम संसार में जाकर मेल मिलाप की सेवा करते हैं, मेल मिलाप का वचन बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर के पास आए, प्रभु के पास आए। अब वचन 20, हम क्या करते हैं, अब हम मसीह के राजदूत हैं, सब लोग के राजदूत हैं। देखिए बाइबल आपको क्या कहती है, विश्वासियों को अपना मन इन बातों पर लगाना चाहिए, हम बेचारे गरीब पापी नहीं हैं, अयोग्य छोटे कीड़े नहीं हैं, आप राजदूत हैं, सब लोग कहें मैं राजदूत हूं, हम मसीह के राजदूत हैं, मसीह के, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, यही सच्चा सुसमाचार है। वो कहता है कि हम राजदूत हैं, मसीह के राजदूत हैं, हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, जैसे कोई देश राजदूत भेजता है, हम स्वर्ग के राजदूत हैं, प्रभु के राजदूत हैं इस संसार में। हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा निवेदन कर रहा है, इसका अर्थ परमेश्वर लोगों से विनती करता है, हमारे द्वारा बुला रहा है। क्या आप यही कर रहे हैं या फिर लोगों पर दोष लगा रहे हैं, परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है, इसका यही अर्थ है। लोगों को बहुत नम्रता से बुलाता है, सच में उनके पीछे जाता है, उनसे विनती करता है कि आए,
हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, यही वो विनती करता है। हम लोगों को बताते हैं ओ प्लीज उसके संदेश को सुनिए। प्लीज, एक परमेश्वर है जो आपसे प्रेम करता है, एक परमेश्वर है जिसने आपके पापों को उठाया, उसे यीशु पर डाला, उसे दूर कर दिया। वो अब आपके पाप आप पर नहीं रखता है, वो आपकी ओर एक पापी के रूप में नहीं देखता, वो आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है, उसकी बाहें खुली है, कोई भी यीशु के पास आ सकता, चाहे जो भी हो आप आ सकती हैं। विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। देखिए कितना अद्भुत संदेश है, काश सब लोग इसे करते तो बहुत ज्यादा लोग आते मेरे दोस्तों। यदि आप लोगों से विनती करके कहते सुनो परमेश्वर के पास आओ, एक परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता, किसी बात की चिंता ना करना, वैसे आना, आपके पाप अपनी समस्या सब जैसे वैसे आना, आप उसके पास आना क्योंकि प्रभु आपकी देखभाल करेगा, प्रभु पापों से निपटेगा, प्रभु समस्या से निपटेगा, आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही आए, मैं आपको न्योता देता हूं, आओ परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, परमेश्वर के साथ एक हो जाओ, परमेश्वर के साथ एक हो जाओ, परमेश्वर को जान लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, यह सुसमाचार है। आमेन। आप लोगों को बताते हैं कि परमेश्वर ने पापों से निपटा है। याद रखिए आपके पास मेल मिलाप का वचन है, आप उन्हें बताएं, मैं परमेश्वर का मार्ग बताऊंगा, यीशु ही परमेश्वर का मार्ग है, आप आओ यीशु के पास आओ, वो प्रभु के पास लाएगा, वो प्रभु का मार्ग है। परमेश्वर से मेल मिलाप करो, प्रभु के साथ एक हो जाओ। अब आप और परमेश्वर के बीच में कुछ भी नहीं है, आप आसानी से आज ही परमेश्वर की संतान हो सकते, आप आकर बदल सकते हैं, इसी सुसमाचार का हम प्रचार करते हैं, ठीक है। अब लूका अध्याय 4 निकाले, चलिए पढ़ते हैं सुसमाचार का सार क्या है। क्या आपको नहीं लगता कि सुसमाचार आशीष है? क्या आप ये विश्वास नहीं करते सुसमाचार पापों की क्षमा से बढ़कर है? मैं आपको वचन से दिखाना चाहता हूं कि इसमें बहुत से लोग जो सोचते हैं उससे बहुत बढ़कर है। वचन 17, लूका अध्याय 4 वचन 17, यशा भविष्यवक्ता की किताब उसे दी गई। अब वो आराधनालय में जाता है और उसे यशा भविष्यवक्ता की किताब दी जाती है और उसने उसे खोलकर वो जगह निकाली जहां ये लिखा था और वो पढ़ना शुरू करता है। उसने ये पढ़ा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों का सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ओ, सुसमाचार का अर्थ कंगालों को कुछ बताना है। वो कहता है, मैं अभिषिक्त हूं, परमेश्वर से सामर्थ पाया हूं कि सुसमाचार बताऊं। उसने ये नहीं कहा कि मैं सुसमाचार बताऊंगा कि लोग पापों की क्षमा पाए और वो प्रभु के पास में आए, नहीं। देखिए ये लिस्ट है, ये केवल पापों की क्षमा ही नहीं है, ये उससे बहुत कुछ है मेरे दोस्तों। ये कहता है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने कंगालों को सुसमाचार क्यों कहा? क्या फर्क है अमीरों को सुसमाचार प्रचार करना और कंगालों को सुसमाचार प्रचार करने में? यदि आप कंगालों को सुसमाचार बताएं तो संदेश क्या होगा? यही आपका संदेश है कि चिंता ना करना, स्वर्ग में जाने पर बड़े महल होंगे, वो आपकी ओर अजीब तरह से देखेंगे, अरे भाई कम से कम यहां झोपड़ी ही मिल जाए, जानते हैं मैं फुटपाथ पर सो रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या आप मेरे लिए झोपड़ी का प्रबंध करेंगे? यदि आप कंगालों को सुसमाचार प्रचार करेंगे तो कंगाल से कुछ कहना होगा। कंगाल को क्या कहेंगे? कि मसीह के द्वारा आपकी परिस्थिति बदल सकती है, कि अब से आगे आपको कंगाल रहने की जरूरत नहीं, आपके लिए नए जीवन की संभावना है, आप अपनी गरीबी झाड़ सकते हैं और आप परमेश्वर के द्वारा आशीष पा सकते। ये कंगालों के लिए सुसमाचार है। यदि आप कुछ अलग सोचते हैं, जानते हैं आप अंधे हैं और सच में पूरी तरह से मूर्ख है कि कुछ अलग सोचे, क्योंकि कंगालों का सुसमाचार का यही अर्थ है। अब लिस्ट को देखिए, उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, ये एक बात है, टूटे दिल वालों को चंगाई देने के लिए मुझे भेजा, यानी सुसमाचार का संबंध पीसे हुए दिल से भी है। कितने लोग जानते हैं कि टूटे दिल वाले हैं? टूटा दिल इस बात को दिखाता है कि बहुत से लोग गए हैं अपने जीवन में बहुत सी बातों से। कितने लोग ऐसे लोगों से मिले जो जीवन में मुश्किलों से होकर गए? पास्टर के रूप में मैं लोगों से मिलता हूं, कई बार जैसे वो बोलना शुरू करते वो रोने लगते, क्योंकि वो टूटे दिल वाले हैं, लोगों ने उन्हें निराश किया, उनके जीवन में कुछ हुआ है, वो कुछ ले गए, निराश है, उनका दिल टूट गया है,
उन्होंने इस पर भरोसा किया, उस पर भरोसा किया, पत्नी पर भरोसा किया, पति पर भरोसा किया, बच्चों पर भरोसा किया, उन्होंने सब पर भरोसा किया। उन्होंने नौकरी पर भरोसा किया, बॉस पर भरोसा किया, सब पर भरोसा किया, सब ने निराश किया, दिल टूट गया, जीवन में निराश हुए, उन्हें पता नहीं कि कहां जाए, वो दुख और परेशानी से भरे हैं वो अपने दिल में। तो सुसमाचार का संबंध उनकी सेवकाई से है, पीसे हुओं की। इसे सुनिए। अगला, बंधुओं को आजादी का प्रचार। बहुत से लोग बंदी हैं, बंद हैं, बंदी हैं। ये वो जेल के बारे में नहीं कह रहा है, उन्हें तो सरकार को आजाद करना होगा। यीशु उन लोगों को आजाद करने आया, उन्हें स्वतंत्र करने आया, आजाद करने आया शैतान और पाप के बंधन से। वो बहुत सी चीजों के बंधन में हैं, बहुत सी आदतों की, समस्याओं की, बहुत से मानसिक बंधन के। यीशु आया कि उन्हें इन बंधनों से आजाद कर दे। यानी सुसमाचार का संबंध केवल पापों की क्षमा से बहुत कुछ बढ़कर है। ये गरीबों की सेवकाई करता है, कंगाल लोगों की, ये टूटे दिल वालों की सेवकाई करता, भावनात्मक परेशानी से जो जा रहे हैं, परेशानी में हैं, वो टूटे दिल वाले और भीतर से रो रहे हैं, और ये बंधवाई में पड़े लोगों की सेवकाई करता है। उन्हें लगता है कि वो आदतों के बंदी हैं, बहुत सी चीजों के बंदी हैं, वो अपने कर्ज से बाहर नहीं आ सकते, अपनी समस्या से नहीं आ सकते, अपनी आदतों से वो बंदी हैं, बंद हैं, और केवल सुसमाचार की सामर्थ्य उन्हें आजाद कर सकती। अब अगली सूची को देखिए, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार। अब यहां जो वचन है, ये केवल शारीरिक अंधे नहीं है, ये केवल शरीर से अंधे नहीं है, ये कह रहा है वो लोग जिनकी आंखें हैं लेकिन नहीं देखते। जब यीशु इस संसार में था तो वो तरस से भर गया, क्योंकि उसने देखा कि लोग तो चरवाहे बिना भेड़ों के जैसे हैं, वो बस गाय और भेड़ जैसे एक ही दिशा में जाते हैं, क्योंकि किसी ने कहा कि यहां पर जवाब है, वो वहां पर जाते हैं कुछ नहीं पाते, और फिर कोई कहता है जवाब वहां पर है, वो वहां जाते। क्या आपने जानवरों को जाते देखा? उनके पास नक्शा नहीं होता, वो कोई रूट पर नहीं चलते या दिशा में। यदि आप जानवर से पूछे जिनका मुंह हो, जैसे उस गधे के बारे में कहा था, यदि आप पूछे कहां जा रही हो, तो बस कह रही जा रही हूं। क्यों इस मार्ग में जा रही हो? क्योंकि बाकी सब इस मार्ग में जा रही हैं। इसी तरफ क्यों? क्योंकि सब जानवर इसी रास्ते पर जा रहे हैं। यदि सारे जानवर उस तरफ जाएंगे तो उस तरफ जाएंगे। यानी यीशु ने देखा कि लोगों का उद्देश्य नहीं है, वो खोए हैं, अंधे हैं, पता नहीं कहां जाते हैं, पता नहीं जवाब क्या है, पता नहीं कि जीवन की कौन सी दिशा ले, पूरी तरह से अंधे और भटके हुए हैं। और सुसमाचार ऐसे लोगों की सेवा करता है। और आगे देखिए, और कुचले हुओं को छुटकारे का प्रचार करूं। ये ऐसे लोग हैं जो टूटे हुए बर्बाद बिल्डिंग जैसे हैं। वो एक समय बहुत ही सुंदर जीवन जीते थे, जब वो जन्मे थे वो बहुत सुंदर बच्चे थे, जब बड़े हुए तो खेलते, आनंद उठाते, इतना सुंदर जीवन था। लेकिन उनके जीवन में कुछ चीजें हुई और उसने उनके जीवन को नाश कर दिया। अब उनका जीवन बर्बाद बिल्डिंग के जैसे दिखता है, कितने साल से पेंट नहीं किया गया, देखभाल नहीं की गई, हर तरफ से गिरती जा रही है, सब कुछ टूट गया, बिगड़ी हुई दशा में है, कोई इस बिल्डिंग में नहीं रहना चाहता, वो वीरान जगह हो गई है, वो सताए गए, वो कुचले गए। बहुत से लोगों का जीवन ऐसा ही है। और सुसमाचार सेवा करता है, ये लिस्ट है अलग अलग तरह की दशा की और स्थिति की जिसमें लोग रहते हैं, और ये सुसमाचार हर तरफ से लोगों की सेवा करने के लिए आया है। कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु जहां भी जाता था बहुत से लोग वहां आते थे, एक बार उसे सुन लिया तो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी समस्या के बारे में कहता था। एक बार यीशु की सुन ले, वो जहां भी गया वहां जाते थे, क्योंकि वो उनकी समस्या के बारे में कह रहा था, उनकी मुश्किलों के बारे में कह रहा था, समस्या का जवाब दे रहा था। इसका संबंध टूटे दिल से है, इसका संबंध सताए लोगों से है, इसका संबंध लोगों की भावनात्मक चंगाई से है, दिमागी चंगाई, आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, पूरी चंगाई। इसका संबंध लोगों की आर्थिक दशा से है, अब वो जीवन से जिसमें से जा रहे हैं। इसका संबंध जीवन की सामान्य समस्याओं से है, श्राप की दशा जिसमें लोग रहते हैं, और कैसे यीशु आया कि उन्हें उससे उठाएं, वो श्रापित हुआ कि हम आशीष पाए। Clap our hands. The Bible says, enter his gates with thanksgiving. Enter his gates with thanksgiving.
coming to his courts with praise. Enter his presence rejoicing, singing great and mighty is his name. Praise him with the sound of the trumpet, praise him with the timbrel and harp. Let every creature in heaven and lift the sound of praise, sing with all their heart. For the Lord is good. 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 And his mercy endures forever. For the Lord is good. 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 And his mercy endures forever. For the Lord is good. And his mercy endures. Son is exalted, maker of everything. Come now and bow down before him. Lift your hands in praise, raise your voice to say, for the Lord is good. His mercy endureth.